नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो बात करेंगे MRC को लेकर के, जो लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है उस पर, और दिव्यांग आरक्षण को लेकर के आज जो पत्र जारी किया गया है, जिसमें सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को लिखा गया था। तो यहाँ पे देखिए, उपयुक्त विषय परिषद कार्यालय के प्राप्तांक जो है बेसिक शिक्षा परिषद का यहाँ पर दिया गया है, दिनांक 14/12/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके उपरांत जो है दिनांक 14/12/2020 को 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग आरक्षण के संबंधित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदन को संलग्न सहित शिक्षा निदेशक बेसिक महोदय को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। यहाँ पर देखिए, दिव्यांग आरक्षण संबंधित है, दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से निम्नलिखित बिंदुओं पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है, जो प्रार्थना की गई है। यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती में RPWD Act 2016 का अनुपालन करते हुए नियमानुसार 4% आरक्षण दिया जाए, यहाँ पे पहला पॉइंट है। दूसरा है, श्रवणहार एवं दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों की बची हुई सीटों को चलन क्रिया बाधित अभ्यर्थियों से भरा जाए, और पिछली भर्तियों की 1350 बैकलॉग सीटों को 69,000 बेसिक शिक्षक भर्ती में जोड़ा जाए, यानी जो बची हुई पिछली भर्ती की 1350 दिव्यांग सीट है, और वहीं 69,000 बेसिक शिक्षा भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार ओवरलैप कराया जाए, दिव्यांग जन अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर सादर प्रेषित है। यहाँ पर भवदीप प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को लिखा गया है। तो ये प्रेषक हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। वहीं बीएड का फर्जी अंक पत्र लगाने वाले गिरफ्तार, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का यह मैटर है, जिसमें 2014-15 की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बीएड के फर्जी अंक पत्र के सहारे काउंसलिंग कराने के आरोपी कंड थाने की पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया। आरोपी का जो शिनाख्त थे वो संजय सिंह के तौर पर, पुलिस ने उसके पास से बीएड का फर्जी अंक पत्र भी बरामद कर लिया। तो ये 2014 में, वर्ष 2012 का बीएड का फर्जी अंक पत्र डॉक्टर राजेश्वर सेवाश्रम महाविद्यालय प्रतापगढ़ से बनवाए थे। तो यहाँ पर फर्जी बीएड का मैटर। वहीं बात करते हैं, 22,000 सीट को जोड़ने पर जल्द फैसला हो सकता है। यहाँ पर आज सेक्रेट SCERT पर आरक्षण पर धरना कर रहे ओबीसी अभ्यर्थियों पर हुआ लाठीचार्ज, रात इको गोल्डन में गुजरेगी। वहीं सीटों के बारे में बता दें, अगर सब कुछ सही रहा तो बड़ी न्यूज ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 8,265 सीट खाली रहेंगी, एकदम ऑथेंटिक न्यूज है। अगर संशोधन मैटर पर कुछ उलटफेर ना हुआ तो यहाँ पर जो सीट है 8,265 सीट खाली जाएंगी। वहीं कुछ लोग द्वारा जो सभी लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि आज टोटल 4,000 सीट बच रही है, इस प्रकार के अफवाहों से बिल्कुल दूर रहें। सीट जो है 6,500 से 7,500 के बीच रहेगी, कम से कम 8,500 तो एग्जैक्ट है ही, क्योंकि जो 1,000 सीटें वो वाला जोड़ा जा रहा है जिसमें संशोधन का मैटर फंसा हुआ है, प्राप्तांक पूर्णांक सब कुछ उसी में है। यह है लखनऊ सेक्रेट से धरना प्रदर्शन का सीन, और यहाँ पे प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को लिखा गया पत्र है, जिसमें प्रताप सिंह बघेल सर, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा प्रयागराज, यहाँ पर देखिए सबके सिग्नेचर भी हैं, ये उपयुक्त विषय अवगत कराना चाहते हैं कि आज दिनांक 14/12/2020 को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग आरक्षण के संबंध में अपना प्रत्यावेदन बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय को उपलब्ध करा गया, जो संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाएगी। यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए अच्छी खबर ये है कि उनकी जो 4% सीटें हैं, अब इस पर फैसला जल्द हो सकता है। वहीं परीक्षा केंद्रों पर बढ़ेंगे कमरे, प्राथमिक शिक्षक करेंगे ड्यूटी, क्योंकि अब इसते हुए और बढ़ाई जा सकती है। ये है धरना प्रदर्शन का, जहाँ पर MRC के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में। उनकी मांगे हैं कि 7,500 सीटें जो OBC की हैं उन्हें उस पर नियुक्ति दी जाए, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भागीदारी किया। हालांकि हल्का लाठीचार्ज का भी न्यूज सुनाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए भीड़ काफी थी, और मांग ये भी की गई है 22,000 सीट जोड़ने की, जो बची हुई सीटें हैं। तो यहाँ पर बची हुई सीटें अगर 22,000 जुड़ जाती है, जिस पर फैसला होना है, क्योंकि जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें ये भी था। MRC टीम लखनऊ पहुँचने के बाद,
तो ये था आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।